एयरलिफ्ट की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि रंजीत कटियाल नामक कोई बंदा नहीं है। हालांकि प्रचार में यह बात छिपाई गई थी। रंजीत कटियाल की प्रेरणा मैथ्यूज और वेदी नामक दो भारतीयों से ली गई है, जिन्होंने 1990 में कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों की वापसी में अहम भूमिका निभाई थी, जब वहां पर सद्दाम हुसैन की इराकी सेना ने हमला बोल दिया था। मेरा नाम रंजीत कटियाल। रंजीत कुवैत में बिजनेस करने वाला भारतीय है जो अपने आप को कुवैती मानता है। जब कुवैत पर हमला हो जाता है और वहां की सरकार कोई मदद नहीं करती, तब वह अपने परिवार को लेकर भारत जाना चाहता है। उसके अंदर का मसीहा तब जाग जाता है जब वह देखता है कि उसके जैसे 1,70,000 लोग हैं जो अपने देश लौटना चाहते हैं। वह सबको इकट्ठा करता है। रंजीत भारत सरकार के एक ऑफिसर से बात करता है, इराक जाकर मंत्री से मिलता है। उसकी इस कोशिश को फिल्म में मुख्य रूप से उभारा गया है। भारत सरकार की सुस्त रफ्तार, मामले को गंभीरता से नहीं लेना, कदम कदम पर इराकी लड़ाकों से खतरा, चारों तरफ हताश लोग, बावजूद इसके रंजीत हिम्मत नहीं खोता और अंत में भारत सरकार से उसे मदद मिलती है। कुवैत में शूटिंग, उस दौर के टीवी, फोन, युवा सचिन तेंदुलकर, बालों में फूल लगाकर समाचार पढ़ती सलमा सुल्तान जैसी समाचार वाचिका की वजह से हम 90 के दशक में पहुंच जाते हैं। इराकी सैनिकों की बर्बरता और भारतीयों की लाचारी भी दिखाई देती है, लेकिन फिल्म से वो उतार चढ़ाव नदारद हैं कि दर्शक अपनी सीट से चिपके रहें। अक्षय कुमार फिल्म के हीरो हैं, लेकिन उन्हें हीरोगिरी दिखाने के अवसर नहीं मिलते। ज्यादातर समय वे सिर्फ बात करते रहते हैं और कोई ठोस योजना नहीं बनाते। बातचीत वाले सीन दिलचस्प नहीं है, इस वजह से बीच बीच में बोरियत से भी सामना होता है और फिल्म ठहरी हुई लगती है। निर्देशक राजा कृष्ण मेनन ने भले ही काल्पनिक चरित्र डाले हों, लेकिन घटना को वास्तविक तरीके से दर्शाने के चक्कर में उनकी फिल्म इंटरवल तक सपाट है। इंटरवल के बाद फिल्म में रफ्तार आती है जब पर्दे पर घटनाक्रम होते हैं। यदि कहानी में थोड़ी कल्पनाशीलता डाली जाती तो फिल्म में थ्रिल पैदा होता। फिल्म में दो किरदार ऐसे हैं जिनका उल्लेख जरूरी है। प्रकाश वेलावडी ने जॉर्ज नामक किरदार निभाया है जो हर किसी को अपने सवालों से बेहद परेशान करता है। दूसरा किरदार इराकी मेजर खलफ बिन जायद का है, जिसे इनामुल हक ने अदा किया है। उनका हिंदी बोलने का लहजा और बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त है। फैमिली लेकर निकल जाओ। पूरब कोहली और निमरत कौर के किरदार स्टीरियोटाइप हैं। इंडियन खेलना, तुम्हें कब से परवाह हो गई इन सब की? वैसे दिल्ली को भी क्या कोसना, यहाँ बहुत से जिनकी गिनती में 10 दिन पहले दिल्ली नहीं थी। अक्षय कुमार ने ऐसा चरित्र पहली बार निभाया है। रंजीत कटियाल का गुरूर और फिर हताशा को उन्होंने अच्छे से दर्शाया है। रंजीत के किरदार में अक्षय ऐसे घुसे कि कभी भी वह उनकी पकड़ से नहीं छूटा। प्रिया सेठ की सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है। गाने फिल्म में अड़चन पैदा करते हैं और निर्देशक को इससे बचना चाहिए था। एक सच्ची घटना से परिचित होने और अक्षय की बेहतरीन अदाकारी के कारण यह फिल्म देखी जा सकती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।